हेलो दोस्तों, आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और अभी तक आपने कस्टम यूआरएल नहीं लिया है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने चैनल पे कस्टम यूआरएल कैसे ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं टेक्नो मोटिवेटर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कस्टम यूआरएल लेने के लिए आपके चैनल पर ये चार चीज़ होना जरूरी है। नंबर वन, आपके पास 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए आपके चैनल पर। नंबर दो, आपके चैनल कम से कम एक महीने पुराना होना चाहिए। नंबर तीन, आपके चैनल पे कम से कम एक बैनर लगा होना चाहिए। नंबर चार, आपके चैनल पर एक लोगो भी लगा होना चाहिए, तभी आप अपने चैनल पे कस्टम यूआरएल ले सकते हो। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और आगे ही ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, लेकिन मैंने कस्टम यूआरएल नहीं लिया था, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर कस्टम यूआरएल लेने का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कौन सा ट्रिक यूज़ किया है कि मेरे चैनल पर कस्टम यूआरएल लेने का ऑप्शन आ गया है। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल पे कस्टम URL सेट करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। मैंने ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा है। मैं यहाँ पे YouTube पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मेरा फ़ोन डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चैनल के लोगो पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर योर चैनल का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा चैनल ओपन हो चुका है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कस्टमाइज चैनल पे। यहाँ पे मेरा चैनल ओपन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर जो बेसिक इन्फो का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि कस्टम यूआरएल सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। दोस्तों, यूट्यूब पे कई सारे ऐसे अपडेट आए हैं जिसके वजह से यह फंक्शन हटा दिया गया है। दोस्तों, अब आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा यूट्यूब को, तभी इनेबल होगा ये सेट यूआरएल का ऑप्शन। दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पर जो सेंड एंड फीडबैक का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ रिक्वेस्ट टाइप करना होगा। क्या रिक्वेस्ट टाइप करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आपको सेम देखकर टाइप कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट ऐड करना होगा। चलिए, मैं स्क्रीन शॉट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रैग पर क्लिक करके और स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। आपको इतना स्क्रीन शॉट लेकर सेंड करना है। चलिए, मैं स्क्रीन शॉट ले लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा स्क्रीनशॉट, आपको इसको सेंड करना होगा। तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सेंड पे। दोस्तों, यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है यूट्यूब पे। दोस्तों, अब आपको दो दिन वेट करना है। दो दिन के बाद आपके चैनल पर कस्टम यूआरएल का ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे सेट कर सकते हो, सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, दो दिन के बाद मेरे चैनल पर कस्टम यूआरएल सेट करने का ऑप्शन आ गया है। मैं दो दिन के बाद यह वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना चैनल ओपन करके रखा है क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, एक नया इंटरफेस ओपन होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो कि एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहां पर आपको बेसिक इन्फो का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहां पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सेट कस्टम यूआरएल का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सेट कस्टम यूआरएल पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चैनल का जो यूआरएल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के आया है www.youtube.com/c/technomotivator। अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ चेंज करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल का जो यूआरएल है वो फिक्स है, मेरा टेक्नो मोटिवेटर है, तो मैं इसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको डॉट के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जो पब्लिश का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आप पब्लिश कर सकते हो।
यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। चलिए मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे चैनल का कस्टम यूआरएल सेव हो चुका है। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।